सुबह सुबह मुर्गा बहुत तंग करता है। अबे मुर्गा, अरे कहाँ बात करते हो भाई साहब, मुर्गा कबू अंडा देता है? हाँ देता है ना। हमरा का तो नहीं लगता है भाई साहब। अरे अंडा नहीं, वो बच्चा भी देता है। अंडा, बच्चा, ये सब क्या है? हमको बुद्धू तो नहीं बना रहे हो? लो तुमको यकीन नहीं है, आना कल सुबह सुबह आना, लेकिन याद रहे किसी को मत कहना, किसी को मत कहना, ठीक है? अभी जाओ, सुबह सुबह तुम्हारे अंडा और तुम्हारे बच्चा तुमको मिल जाएगा। जाओ अभी जाओ। अरे हमको तो मुर्गा लेने जाना था। लाओ भाई हमारा मुर्गा, अंडा, बच्चा भी दो। तुम अब आ रहे हो? तुम्हारे मुर्गा तो कब का चला गया? कहाँ चला गया? तुम्हारे घर। उसको लाख बार बोले कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं रुका। हम घर में देखे, मुर्गा नहीं आया घर में। मेरे दीदी ने कहा था मुझसे कि तुमको बुद्धू बना रहो, तुम सही में बुद्धू तो नहीं बना रहे हो हमको। तुमने अपने बीबी को सब कुछ बता दिया? हाँ बता दिया था। अरे इसीलिए तो तुम्हारे मुर्गा चला गया, इतना बार बोले कि रुक जाओ रुक जाओ, रुकने का नाम ही नहीं रह रहा। मुझे तो बुद्धू बना रहे हो, जाकर महाराज को बुद्धू बना कर दिखाओ, तब मैं समझूंगा तुम बुद्धिमान हो। महाराज को भी करके देखते हैं। अच्छा महाराज के पास जा रहा हूँ तुम्हारे शिकायत लेके। जाओ जाओ। साला हमरा मुर्गा लेके साला हमको ही ठग रहा है, साला चिटिया बना रहा है हमको। साला हम खाना नहीं खाएंगे। अजी खाना खा लीजिए। नहीं खाएंगे खाना, नहीं खाएंगे पानी, जब तक मेरा मुर्गा नहीं मिलेगा खाना नहीं खाएंगे हम। जा रहे हो? जी मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। पहले बख्शीश। बख्शीश तो मैं नहीं लाया। बख्शीश नहीं लाए, वापस जाओ। महाराज को मुझे जानकारी देना है। किस बात का जानकारी? मैं पीटर का जानकारी देने आया हूँ, राजा को ठगने वाला है वो पीटर। पीटर उटर जो हो, हमें ठगने वाला नहीं है। अरे तुम्हें नहीं, महाराज को। महाराज को? हाँ हाँ महाराज को। परंतु कैसे? ऐसे कि पीटर ठगने वाला जो है वो आएगा, सबसे पहले तुम्हें गिनती कराएगा। कैसे गिनती कराएगा पता है? चलो चलो यहाँ आओ। हाँ यहाँ आकर तुम आंखें बंद करके तुम दोनों 100 तक गिनो 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 गिनो। एक दो तीन चार। मंत्री जी, हमारे देश में जो दुर्घटना घट रही है हम उसे नज़रअंदाज कर दे रहे हैं, वो दुर्घटना हमारे सामने पेश किया जाए। कौन हो तुम? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? दरबान क्या कर रहा है? दरबान तो 100 तक गिन रहा है महाराज। दरबान को पेश किया जाए। समा महाराज समा, मैं पीटर हूँ और मैं लोगों को ठगता हूँ। रुक जाओ, तुम सबको ठगते हो तो मुझे ठग के दिखाओ। महाराज मैं लोगों को ठगता हूँ, लेकिन आपको कैसे ठगूं महाराज? तुम जब कह चुके हो कि तुम लोगों के ठगते हो तो मुझे भी ठग के दिखाओ। लेकिन महाराज मैं तो अपना अस्त्र भूल गया हूँ। ठगने का भी कोई अस्त्र होता है? होता है ना महाराज, वो मेरा घर पे है। जाओ लेके आओ। महाराज मेरा घर बहुत दूर है और पैर भी दर्द कर रहा महाराज। मंत्री जी इसे गाय का प्रबंध करके दिया जाए। महाराज मैं गाय में नहीं चढ़ सकता हूँ, कृपया समा करें। गाय में तुमको क्या, तुम्हारे बाप को भी चढ़ना पड़ेगा। महाराज जब आप कह रहे हैं तो हम जाने के लिए तैयार हैं।
महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम दोनों निकम्मो, तुम लोगों को किस लिए यहाँ पे रखा गया कि कोई अंदर ना आ सके? तुम दोनों क्या कर रहे थे? कोई भी चल के यहाँ पे आ जाता है। लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया, उसे अंदर आने दिया। सिपाहियों, इसे गाय का प्रबंध करके दिया जाए। जी महाराज। मुर्गा जी, मेरा राजा घुमा दीजिए। या अच्छी जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, राजा बाबू, मेरा मुर्गा लौटा दीजिए। हाँ हाँ, याद आ गया। अरे जगह जगह पे टोकोगे तो कहाँ याद रहेगा? हमको जाना है राजा के पास। ऐसे कैसे जाना है तुम्हें? दया करके मुझे जाने दो, मुझे राजा से मिलना है। तू वही हो ना जो राजा को ठग के गया था? मैं कैसे ठग सकता हूँ? चलो सारे को लेकर राजा के पास चलो। ओ, किस चीज का शोर हो रहा है यहाँ पे? ओहो, शांत हो जाओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। शांत हो जाओ। ये कौन है? महाराज ये पीटर है, पीटर। महाराज ये चीटर है। ओहो, तुम लोग समझते क्यों नहीं? हम पीटर नहीं है, हम बुल्लू है। बुल्लू? बुल्लू? महाराज इसके झांसे में मत आइए, ये इसने मुझे ठग लिया, आपको भी ठग लेगा। क्या मैं पतला हूँ? नहीं। क्या मैं टोपी पहना हूँ? नहीं। क्या मैं जींस पहना हूँ? नहीं। क्या मैं चश्मा पहना हूँ? नहीं। तो पीटर मैं कहाँ से हूँ? इसका मतलब पीटर महाराज को ठग लिया। पीटर यहाँ आया था? हर टाइम मेरा बीबी कहता था कि तुम बुद्धू हो बुद्धू, और यहाँ पीटर आकर आपको भी ठग लिया। आप भी पड़े बुद्धू हो बुद्धू। मैं जाकर मेरे बीबी को बताऊंगा कि राजा को भी ठग लिया पीटर ने।